और दिल्ली से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैदानगढ़ी इलाके के एक तालाब में श्रद्धा के सिर की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा के सिर को फेंका था। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को भी इस जगह तलाशी अभियान चलाया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में उस तालाब में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस को आशंका है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके शरीर के टुकड़े फेंके थे। पुलिस को ये भी शक है कि आफताब ने इसी तालाब में श्रद्धा के सिर को भी फेंका था। ये 10 से 15 फीट का तालाब है और ये पूरा इलाका देखिए, जगह जगह यहाँ पर जंगल है, छोटी छोटी यहाँ पर झोपड़ियाँ लोगों की बनी हुई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा का जो शव है उसका सर यहाँ पर फेंका है। ये तालाब करीबन 150 एकड़ में फैला हुआ है। शाम होते ये इलाका सुनसान हो जाता है। ऐसे में आशंका है कि आफताब ने इस तालाब में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके होंगे। रात को 8-9 बजे के बाद में यहाँ अंधेरा हो जाता है। 8-9 बजे के बाद में तो यहाँ तो जो गाड़ियाँ स्कूटर मोटरसाइकिल जिनको ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जरूरत होती है वो इस रोड से निकलते हैं। पुलिस को इस तालाब में तलाशी अभियान के दौरान काफी मेहनत करनी पड़ी। तालाब खाली कराने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी।